नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 30 मार्च, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमा राहत शिविर लगाने का दिया आदेश। दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बंद के बावजूद सभी लोगों को दिल्ली सरकार वापस उनके राज्य में भेज रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई थी। इतना ही नहीं, इतनी भारी संख्या में लोगों की अचानक से वापसी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ ही साथ अमित शाह ने भी गलत करार दिया था, जिसके बाद अब सीमा पर रह गए लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमा राहत शिविर लगवाने का ऐलान जारी किया है, जिससे कि अब सीमा पर रह गए लोगों को खाने पीने की सुविधा साथ ही साथ रहने के लिए भी पर्याप्त सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मुख्य सचिव ने बिहार में बाहर से आए लोगों को चिन्हित कर आइसोलेशन में रखने का दिया आदेश। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बिहार के बाहर से आए लोगों और खासकर विदेश से आए लोगों की दोबारा से जांच का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन सभी लोगों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखने का आदेश भी जारी किया है। इसके लिए मुख्य सचिव ने सबसे पहले उन लोगों की सूची तैयार करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही बिहार के बाहर रह गए लोगों के संबंध में उन्होंने कहा कि जो भी लोग बाहर रह गए उन्हें फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। दरोगा बहाली की परीक्षा हुई स्थगित। बिहार में 26 अप्रैल को होने वाली दरोगा बहाली की परीक्षा एक बार फिर से स्थगित हो गई है। खबरों की माने तो कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए, साथ ही अभी तक कोरोना के मामले पर नियंत्रण ना पाने की विफलता को ध्यान में रखते हुए 26 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के OSD ने नोटिस जारी करके दी है। हालांकि अभी इस परीक्षा की नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कोरोना के कारण किसान भी है मजबूर। कोरोना से दिन प्रतिदिन बढ़ते असर को देखते हुए किसान भी अब काफी ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से बंदी का ऐलान कर दिया है, मगर दूसरी तरफ किसानों के खेत में गेहूं, दलहन और तिलहन की फसल पूरी तरीके से तैयार है, मगर घर से नहीं निकलने के कारण, सभी लोग के साथ संपर्क नहीं बनने के कारण अब जो फसलें हैं वो खेतों में ही रह गई हैं। वहीं बाजार बंद होने के कारण भी किसान वर्तमान समय में बिल्कुल ही असहाय हैं। CBSE बोर्ड ने निजी स्कूल के लिए जारी किया जरूरी दिशा निर्देश। CBSE ने हाल ही में बिहार के सभी निजी स्कूलों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत CBSE ने 21 दिनों के बंद के कारण छात्रों का ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट चार्ज माफ करने की पहल की है। CBSE का यह कहना है कि बंद की वजह से नए सत्र की शुरुआत 14 अप्रैल से होने की संभावना है। इसको देखते हुए स्कूल को अप्रैल महीने के अन्य चार्ज को माफ करना होगा। पटना में कोरोना आशंकित लोगों के लिए 12 प्राइवेट स्कूल ने खोला अपना दरवाजा। बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब पटना के 12 प्राइवेट स्कूल ने अपना दरवाजा खोलने का ऐलान किया है। साथ ही अपने स्कूल को कोरोना से आशंकित लोगों को रखने के लिए भी खोल दिया है, जिसके तहत अब पटना के कृष्णा निकेतन, कृष्ण विहार, सुदर्शन सेंट्रल स्कूल, शिवम कॉन्वेंट, पटना दून पब्लिक स्कूल, बेली रोड, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल जगनपुरा, पटना BD पब्लिक स्कूल, इन्फेंट जीजस स्कूल खाजेगला, श्रीराम सैनिटेरियन स्कूल, डॉक्टर DY पाटिल, पुष्पलता पाटिल स्कूल, होली क्रॉस इंटरनेशनल ओपन माइंड बिरला स्कूल जगनपुरा का नाम शामिल है। CBSE बोर्ड ने अपने छात्रों के लिए जारी किया 6 घंटे का रूटीन। कोरोना के कारण पूरा देश फिलहाल बंद की स्थिति से जूझ रहा है, ऐसे में छात्रों का भी काफी समय घर पर व्यर्थ ही जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE ने हाल ही में अपने छात्रों के लिए 6 घंटे का रूटीन जारी किया है, जिससे CBSE ने बंद के दौरान कुछ नया करने का अवसर कैसे ढूंढे इस समस्या का समाधान दिया है। CBSE ने जारी किए गए अपने नोटिस में छात्रों को अपने घर को अपना स्कूल समझने की अपील की है, साथ ही उनसे लर्निंग सेंटर बनाने को भी कहा है। बंद के दौरान रेलवे के टिकट का पूरा पैसा वापस करेगी रेलवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ दिनों पहले 21 दिनों के लिए भारत को पूरी तरीके से बंद किए जाने के बाद यातायात की सभी सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो गई थी, जिसके बाद से बंद के दौरान कई लोगों का ट्रेन में रिजर्वेशन भी था। हालांकि वह सारे रिजर्वेशन कैंसिल हो गए थे। अब रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि जिन भी लोगों का रिजर्वेशन इस दौरान रहा है उनके पैसे जल्द से जल्द उनके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। इसके तहत भारतीय रेलवे ने 21 मार्च से 14 अप्रैल के बीच की यात्रा के सभी टिकट को पूरा पैसा वापस करने का फैसला लिया है। अप्रैल महीने से राशन कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त में अनाज। अचानक से भारत बंद होने के कारण कमजोर तबके के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर सरकार उनकी हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने बिहार के सभी कमजोर तबके के लोगों को अप्रैल में राशन कार्ड के जरिए मुफ्त में अनाज वितरण करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन कार्डधारी लोगों को राशन कार्ड में परेशानी हो रही है वह सीधे अपना सुझाव या शिकायत भेज सकते हैं। उसके लिए उन्हें बस 9431800962 या 9470017775 या 9470279066 पर कॉल करके अपनी परेशानी बतानी होगी।
पटना के डीजीपी ने कहा, बंद का मतलब है जहां है वहीं पर रहना। पटना के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में भारी संख्या में बिहार के तरफ आ रहे लोगों को देखते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के बंद के फैसले का मतलब है कि जो लोग जहां हैं वहीं पर रहें। इतनी भारी संख्या में लोगों की आवाजाही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी तैयारी भी पूरी है। हम किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। 33 बसों से गोपालगंज से सटे यूपी सीमा पर पहुंचे बिहार के लोग। दिल्ली से भेजे गए 33 बसों में गोपालगंज से यूपी सीमा पर बिहार के लोग पहुंच चुके हैं, जिसकी जानकारी गोपालगंज जिला प्रशासन ने दी है। वहीं गोपालगंज जिला प्रशासन ने उन सभी लोगों को यूपी की सीमा से बसों में भरकर गोपालगंज जिला मुख्यालय में लाया गया है, जहाँ पहले आए इन सभी लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। उसके बाद इन्हें इनके घर पर वापस भेजा जाएगा। वहीं खबरों की माने तो दिल्ली या अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को सीमा पर राहत शिविर में रखने का आदेश सरकार ने जारी किया है। कोरोना की स्थिति में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने दिया अपने 2 महीने का वेतन। कोरोना की स्थिति से निकलने के लिए देश के कोने कोने से मदद की पहल की जा रही है। वहीं बिहार के राजनेता भी अपने स्तर पर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री राहत कोष में हाल ही में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने अपने 2 महीने का वेतन देने का ऐलान जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। इतना ही नहीं, चिराग ने बाकी सभी लोगों से भी आगे आकर कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए मदद करने की अपील की है। विदेश से पटना आए 940 लोगों की होगी कोरोना की जांच। पटना में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा को देखते हुए सरकार ने अब सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने यह साफ किया है कि बीते कुछ समय से पटना आए विदेशी लोगों की जांच एक बार फिर से होगी। खबरों की माने तो जांच की इस सूची में कुल मिलाकर 940 लोगों के नाम शामिल है। वहीं उनका सैंपल RMRI में भेजा जाएगा, जहां उनमें कोरोना के होने या ना होने की बात सामने आएगी। आपको बता दें, सरकार का यह फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में कतर से लौटे व्यक्ति की वजह से 4 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। घरों तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचने पर गोदाम को किया जाएगा बंद। घरों तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचने पर अब शिकायत मिलने पर गोदाम को बंद कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले कोरोना के कारण बंद के ऐलान के बाद गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में भ्रम का माहौल बन गया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने सभी एजेंसियों को उपभोक्ताओं के घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचाने पर सख्त परिणाम झेलने को तैयार रहने की बात कही है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने सभी एजेंसियों को घर घर जाकर वेंडरों के हाथ की सफाई साथ ही सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखने की भी अपील की है। गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से पेट्रोल डीजल की मांग घटी। बंद के कारण सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद से लगभग 95% वाहन अब घरों में बंद है, जिससे कि पेट्रोल डीजल की मांग भी 95% कम हो गई है। पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो बीते दिन पेट्रोल और डीजल की मांग में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि पेट्रोल और डीजल पंप खुले हुए हैं, मगर दिन भर में वहां पर इक्का दुक्का लोग ही पेट्रोल लेने के लिए पहुंचते हैं। वहीं गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से बिहार समेत भारत के अन्य राज्यों के हवा स्तर भी काफी ज्यादा साफ हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया भागलपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब को खोलने का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को निर्देश जारी करते हुए भागलपुर में कोरोना की जांच के लिए एक विशेष जांच केंद्र खोलने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने इस बाबत जिलाधिकारी प्रणव कुमार से बातचीत भी की है। अश्विनी चौबे की माने तो अभी भागलपुर में कोरोना की जांच नहीं होने से सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलती है। इसी परेशानी को देखते हुए यहाँ पर नया टेस्टिंग लैब खोलने पर सोच विचार किया जा रहा है। बिहार की जीविका दीदियां रोज 17,000 मास्क का कर रही हैं निर्माण। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच बिहार की जीविका दीदियां ने मास्क बनाने का काम शुरू किया है, जिसके तहत हर दिन यह सभी महिलाएं 17,000 से ज्यादा मास्क तैयार कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में पूरे राज्य में लगभग 500 दीदियां हैं जो मास्क बनाने का काम कर रही हैं। मास्क बनाने की प्रक्रिया अगर ऐसे ही चलती रही तो जीविका के CEO की माने तो 1-2 दिन में इसकी प्रतिदिन की क्षमता 17,000 से बढ़कर 20,000 से 25,000 हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बॉर्डर को बंद करने का दिया आदेश। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही दूसरे राज्यों में भारी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए बिहार सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए बिहार के सभी बॉर्डरों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने तो जो लोग जहां हैं वहीं पर उनकी मदद मुहैया करवाने की पहल भी तेज की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सरकार का यह फैसला हाल ही में किए गए एक बैठक के बाद लिया गया है, जिसकी जानकारी गृह सचिव अमित सुबहानी ने दी है। बिहार के पहले 2 व्यक्तियों ने कोरोना की परीक्षा की पास। कोरोना के बढ़ते असर के बीच बिहार से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां मौजूद 12 लोगों में से 2 लोगों के ठीक होने की खबर सामने आई है। यह दोनों ही पटना के NMCH में भर्ती थे। इन दोनों लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इनमें से एक स्कॉटलैंड से हाल ही में वापस आया था, वहीं दूसरा गुजरात के भावनगर से वापस लौटा था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ के बहाने हाल ही में सवाल किया है, जिसके तहत उन्होंने भारी संख्या में आ रहे लोगों पर सवाल उठाते हुए यह कहा है कि सरकार यह तय करे कि किस तारीख तक आखिर लोगों का आना जाना यूं ही लगा रहेगा। बिहार की ओर चले आ रहे भारी संख्या में लोग हैरान करने वाले हैं। अगर इतनी भारी संख्या में लोगों को बसों से भेजा जाएगा तो क्या बंद का कोई फायदा हो पाएगा? या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान के बाद हजारों की संख्या में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ वापस लौट रहे हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने केजरीवाल पर कसा तंज। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से केजरीवाल पर खूब टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दिल्ली में रह रहे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करने के बजाय केजरीवाल ने अपना पलड़ा झाड़ा है और यह कारण है कि लोग अचानक से आनंद विहार टर्मिनल पर इतनी ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो गए। कोरोना की स्थिति में केजरीवाल सरकार के इस रवैये को देखकर आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 2.5 साल की बालिका ने अपने गुल्लक से दिए 4,400 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक अपील की थी, जिसके बाद दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एक अनोखी सी मदद सामने आई है, जिसके तहत 2.5 साल की बालिका ने अपने गुल्लक से 4,400 की राशि दान में दी है। यह वाक्य है तमिलनाडु का, जहां से इस अनोखी मदद की पहल हुई है। वहीं 4,400 की राशि देने वाली बालिका का नाम स्फूर्ति है और वह तमिलनाडु में अपने माता पिता के साथ रहती है। जरूरी सामान के लिए रेलवे चलाएगा अपना पार्सल स्पेशल ट्रेन। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए जहां रेलवे ने अपने कई डिब्बों को अस्पताल में बदल दिया है, वहीं अब रेलवे एक और अहम पहल करने जा रहा है, जिसके तहत पूर्व मध्य रेल ने ऐलान करते हुए यह बताया है कि लोगों की रोज की जरूरतों और स्वास्थ्य से जुड़े सामानों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें खाने का सामान जैसे फल सब्जियां और इसी तरह के स्वास्थ्य की जरूरत के सामान उपलब्ध रहेंगे। यह स्पेशल ट्रेन मांग के आधार पर चलाई जाएगी। दूसरे राज्यों में फंसे बिहारियों तक राहत पहुंचाएगी नीतीश सरकार। कोरोना के कारण अचानक हुए बंद को देखते हुए दूसरे राज्यों में रह गए बिहार के लोगों तक बिहार की नीतीश सरकार मदद पहुंचाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि सभी राज्यों में अलग अलग नोडल ऑफिसर्स तैनात किए जाए, ताकि वहां मौजूदा लोगों की मदद हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से किया देश का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम से एक बार फिर से देश का संबोधन किया, जहां पर उन्होंने सभी आम नागरिकों को हो रही परेशानियों के लिए क्षमा मांगी। साथ ही यह भी कहा कि यह जो भी हो रहा है वह उनकी ही भलाई के लिए हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई ऐसे लोगों से बातचीत भी करवाई जिन्होंने कोरोना की इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों का हौसला भी बढ़ाया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था। आप में से जिनका कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम हैं विकी कुमार, अवधेश मिश्रा, बबीता विश्वकर्मा, गौतम पूर्व, प्रिंस कुमार, मुमताज हसन, धनंजय कुमार, सद्दाम हुसैन, संजीत कुमार, अभिजीत कुमार, राकेश वर्मा, अनिल कुमार, रंजन कुमार, पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार सरकार द्वारा बॉर्डर पर बाहर से आए लोगों को जांच करके खाने पीने की व्यवस्था बिहार में कोरोना के रोकथाम में कितना कारगर साबित होगा, कितना नहीं? अपने जवाब में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।